हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल अननोन फैक्ट। मैं हूं विश्वास और आज की टॉपिक है दुनिया के 10 खूबसूरत पक्षी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो इस लिस्ट में नंबर 10 पे आता है हाइसिंथ मकाओ। इसकी लंबाई कमाल की है, तकरीबन 100 सेंटीमीटर, और ये इस प्रजाति के बहुत ही बड़ी उड़ने वाली पक्षी है। क्यों है ना कमाल की? ये लोग छोटे छोटे खसले खुले जगह पे उत्तर ब्राज़ील के सवानिया ग्रासलैंड पे पाए जाते हैं। इनकी जनसंख्या आखिरी कुछ सालों में कुछ कम हुआ है। आज की डेट में केवल लगभग 5000 हाइसिंथ मकाओ इस दुनिया में मौजूद है। पेड़ पौधों को खा के गुजारा करते हैं ये पक्षी, और एक अच्छी बात है दोस्तों, अगर इनको ट्रेनिंग दिया जाए तो यह एक बेहतरीन पालतू पक्षी बन सकता है। पता नहीं ये काटते भी हैं या नहीं, मगर ये लोग बहुत ही शोर करते हैं इनके झुंड में। इसके बाद नंबर 9, इसका नाम है वुड डक। दिस इज़ द मोस्ट टर्निंग कलरफुल वंडरफुल बर्ड इज द वर्ल्ड। इनकी प्रजाति के नर पक्षियों के सर और शिखा पर्पल ग्रीन कलर की धातु जैसी होती है। इनकी पेट सफ़ेद और चोटी और गर्दन लाल रंग की होती है। इनके पास एक सफ़ेद आकर्षक पतली धार होती है जो कि इनकी पंख पे। इनके मादा प्रजाति के नर प्रजाति के कलर के मुकाबले में थोड़ा कम होता है। इनके पास धुंधला और भूरा रंग के सर होती है और सफ़ेद रंग के साथ सफ़ेद स्तन भी होती है जो कि बहुत ही चकमक करता है। नर पक्षी उनके रंगीन पर को इस्तेमाल करके मादाओं को आकर्षित करते हैं उनके प्रजनन के समय। ये पक्षियाँ ज़्यादातर मार्शेस, उडेड सैम्प और स्टीम पे रहते हैं जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, और ये एक प्रसिद्ध पंछी है नॉर्थ अमेरिका की दूसरे वाटर बर्ड के मुकाबले। अब चलते हैं नंबर 8, जिसका नाम है बोहेमिया वासिंग। यह एक मध्यम साइज का पक्षी है। पक्षी के साथ क्रॉस्टेड सर और काले मुकड़े हैं। इसके पास भूरा, सफ़ेद और पीले रंग के पंख होते हैं। यह पक्षी भी इस दुनिया के बहुत ही खूबसूरत पक्षियों में से एक है। ये लोग ज़्यादातर बोरियल जंगल जो कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोशिया में रहते हैं, और अधिकतर कनाडा और अलास्का में सर्दियों के दिन पाए जाते हैं। इनकी समुदाय यूनाइटेड स्टेट के नॉर्थ वेस्ट कोस्ट में ज़्यादा मात्रा में बसते हैं। ये लोग घोंसला बना के रहते हैं जो कि पेड़ों की टहनियों में होती है। ये लोग इनकी हाई पिच कॉल के कारण जाने जाते हैं, और देखा जाए तो ये लोग कीट पतंग को खाते हैं। अब बारी है नंबर 7 की। इसका नाम है ब्लू जे। और क्या आपको पता है यह एक बहुत ही मध्यम और खूबसूरत पक्षी है इस कुदरत की? जी हाँ, और ये लोग नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी और सेंट्रल इलाकों में पाए जाते हैं। इन पक्षी के पास नीला, सफ़ेद और काले रंग की पंख होती है जो कि बहुत ही शानदार होती है। इनके पहचानने की एक अलग ही उपाय है। ये लोग कुछ अलग तरह से बुलाते हैं। इन लोगों के पास एक कला है जो कि अलग प्रजाति के पंछियों को आसानी से पहचानते हैं। क्या आप जानते हैं ये लोग दूसरे पंछियों के घोंसले और अंडे को चुराते हैं? ये सामाजिक पक्षी छोटे समुदाय में पाए जाते हैं, पर माइग्रेशन और सर्दियों के मौसम में इनके समुदाय बढ़ जाते हैं। अब चलते हैं नंबर 6 पे। इसका नाम जैसा है ये वैसा दिखता भी है। इसका नाम है अटलांटिक पफिन। यह एक छोटा सामुद्रिक पक्षी है और यूनाइटेड स्टेट के नॉर्थन कोस्ट और कनाडा के पूर्वी इलाकों में पाए जाते हैं। इस पक्षी भी सामुद्रिक तोते के नाम से जाने जाते हैं इनके रंगीन शरीर के कारण। ये पक्षी इनके ज़्यादातर जिंदगी समुद्र पर बिताते हैं। इनके तैरने के समय इनके शरीर बहुत वार्म रहती है। ये लोग पानी के अंदर और किनारों में ठहरने के लिए उनके पंख को फड़फड़ाते हैं। इन पक्षी के पास डुबके लगाने की प्रसिद्ध कला है। ये लोग 60 मीटर तक डुबके लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये सामुद्रिक कीट का शिकार करते हैं। और क्या आपको पता है ये लोग उड़ने में भी बहुत प्रसिद्ध हैं? आपको जानकर हैरानी होगी, ये लोग 55 माइल तक उड़ सकते हैं, वो भी एक घंटे में। है ना अजीब? और क्या आपको पता है एक मिनट में ये लोग अपने पंख को 400 बार फड़फड़ा सकते हैं? ये लोग हर गर्मी और बसंत के मौसम में बच्चा पैदा करते हैं नॉर्थ अटलांटिक समुंदर के आइलैंड में, और चट्टान के ऊपर घास के घोंसला बनाते हैं। ये मादा केवल एक ही अंडा देता है, और वो भी फटने में या चीक बाहर आने में 45 दिन लग जाते हैं। चीक निकलने के बाद नर पक्षी चीक के लिए खाना लाने चला जाता है और छोटे छोटे मछलियों के साथ वापस आता है। ये पक्षी एक साथ में 10 से 30 छोटे मछली के भार उठा सकता है उसके बड़े चोंच। तो ये था हमारा पहला भाग। दूसरा भाग में देखेंगे कि कौन कौन सी खूबसूरत पक्षी है।
ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और देखने में भी बोर ना लगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो अब बारी है आपकी, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को दबाने की। चलता हूँ गाइस, शुक्रिया।